आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। यमुनानगर में शराब बनाने वाली हरियाणा डिस्टिलरी पिछले लंबे समय से कई ब्रांड की शराब बनाती आई है, जिनमें जगाधारी नंबर वन शराब मार का सबसे प्रमुख रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने इस फैक्ट्री का दौरा करके प्रदूषण से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए थे। क्या समय में उनकी पालन नहीं होने के बाद अब बोर्ड ने हरियाणा सरकार को हरियाणा डिस्टिलरी एवं बलारपुर इंडस्ट्री को प्रदूषण बोर्ड के नियमों की अनदेखी को लेकर सील करने के आदेश दिए, जिसके बाद जिलाधीश यमुनानगर ने SDM सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके इस कार्यवाही अमल में लाने के लिए आदेश जारी किए। SDM सुशील गुप्ता ने पुलिस फोर्स के साथ एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर हरियाणा डिस्टिलरी एवं बलारपुर इंडस्ट्री को सील करने की कार्यवाही पूरी की। SDM ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद जिलाधीश के आदेशों के अनुपालन में दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। कल सारे सवेरे आ जाओ भाई, फिर दोबारा इसी तरह कोई नहीं सवेरे कल आइयो, कल सवेरे भी आइयो, सवेरे शाम तक। टीम आई थी तो उसमें उन्होंने फैक्ट्री को यहाँ पे सील कर दिया है, और फैक्ट्री ने क्या नाम फैक्ट्री जो पर्सनल मैनेजर है अरविंद जी, तो उन्होंने कहा मेरे पास फोन आया कि सारी लेबर कल को ले ऑफ होएगी। लेबर का ले ऑफ करने का भी एक कानून होता है, 15 दिन पहले लेबर को नोटिस देते हैं, सरकार को नोटिस देना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी ना एकदम ही अपना इन्होंने मुंह उठाया और अपना लेबर को कह दिया ले ऑफ करो। कितने कर्मचारी हैं ये यहाँ पे हमारे पास है जी, क्या नाम है 100 के करीब तो हमारे पक्के परमानेंट हैं, बाकी कुछ 150-200 के करीब अच्छे भी लगते हैं, कैजुअल भी लगते हैं। फैक्ट्री सील करने के कारण क्या? फैक्ट्री सील ये क्या नाम अखबार में भी है, जैसे हमने तो अखबार में पढ़ी है आज, ये इन्होंने कागजात थे क्या नाम 2021 में सरकार ने नोटिस दिया था अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो प्रदूषण के लिए, तो इन्होंने कोई कागजात पूरे नहीं किए, तो फैक्ट्री ने फिर फैक्ट्री SDM साहब आए यहाँ पे, उन्होंने सील कर दी फैक्ट्री। कितनी इकाइयाँ सील हुई? ये लाइनें होती है हमारी, बॉटलिंग सील कर दी है, बाकी वैसे और प्लांट बॉयलर वगैरह वो भी कह रहे हैं कि वो भी सील कर दिया है। तो अभी कामकाज बिल्कुल ठप है? हाँ जी, कामकाज बिल्कुल ठप है, सिर्फ ठेकेदार के अंदर जो वर्कर जो काम चल रहा है यहाँ पे फैक्ट्री में, अभी 40-50 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रही है फैक्ट्री प्रदूषण के लिए, फिर उसके बाद भी क्या नाम
यहाँ पे प्रदूषण का इन्होंने कौन से पिछले कागज हैं जो 2021 के इनको नोटिस मिला हुआ वो इन्होंने पूरे नहीं किए। तब डिमांड क्या है आपको? हमारी तो डिमांड है जी, हमारी हमें ले ऑफ हो रही है, हमारे को बगैर बात की हमारी हाजिरी लगाई जाए। हम तो अपने काम करने के लिए आए हैं, ना इन्होंने हमारे को फैक्ट्री ना हमारे को कोई नोटिस दिया है। हाँ जी, कोई फैक्ट्री किस वजह से सील हुई है ना हमारे को बताया गया है, ये तो हमने अखबार में पढ़ी है भाई ऐसे थे फैक्ट्री में इन्होंने। और तो क्या अभी जो है कंपनी के उच्च अधिकारियों से बात हो पाई इस बार? आज नहीं, अभी उच्च अधिकारी आज तो वैसे ही लेट आएंगे यार, 9 बजे आ जाते हैं आज, वैसे वो पता है लेबर बाहर है तो आज वो 10 बजे से पहले शायद आएंगे नहीं। तो लेबर के लिए है जी, लेबर ऐसे बैठेगी ना? लेबर तो बैठेगी, हमारे को आश्वासन देंगे, हमारे को रिटर्न में देंगे। फैक्ट्री किस वजह से बंद हुई है, हमारी अटेंडेंस लगाई जाए, हमारा तो इसमें कोई कानून कोई कसूर नहीं है। हम तो अपना फैक्ट्री में काम करने के लिए आए हैं, हमारे को काम पे ले, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। तो पहले किसी तरह का कोई इंडिकेशन दिया हो? नहीं, नहीं कोई हमारे को कोई नोटिस नहीं है जी, ना हमारे को नोटिस दिया ना हमारे को, सिर्फ एक फोन आया था पर्सनल मैनेजर है उसका मेरे पास, शाम को 6 बजे के करीब फोन आया, वो कह रहा है भाई फैक्ट्री के जो वर्कर होगा तो ले ऑफ होगी। मैं कहा ले ऑफ का तो कोई ऐसा कानून नहीं है, कम से कम 15 दिन का नोटिस होना चाहिए लेबर को भी और सरकार को भी जाता है नोटिस ले ऑफ करने के लिए फैक्ट्री को। बच्चों के भी बच्चे भी आए, मजदूरों के बच्चे हैं। अब तो हम इसीलिए यही वो कर रहे हैं, हमारे को नोटिस है, हमारी हाजिरी लगाई जाए, जितने दिन भी चाहे फैक्ट्री जितने दिन भी बंद रहे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।